इतने चिनांड आदमी है। अरे रुक तो मैं तुझे पुलिस वालों को मिलवा। ये देखो भगा जा रहा आरामी। जिस धर्म में माता काली, जिस धर्म में सरस्वती, जिस धर्म में माता शारदा। मोदी जी के आने के बाद ही सारी गरीबी आई है हिंदुस्तान में। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम आए रेलवे स्टेशन, जो कि अपने मामा जी को छोड़ने आए हैं। ठीक है, तो मामा जी जा रहे हैं, आज कानपुर होगी उनकी एक ड्यूटी कल शाम 3 बजे की। तो ये हमारे मामा जी और ये सारा सामान मामा जी का छोड़ने आए हैं। ठीक है, और ये ट्रेन भी आ गई भाई, लो सामने ही देख लो, मामा जी की टिकट भी बन थी। ठीक है भाई, तुमको आवाज़ आ रही भाई? दोस्तों, मैं आया था प्लेटफॉर्म में और इन शख्स से मैंने पूछा, और ये इतने चिलांड आदमी हैं, इतने बेहुदा आदमी हैं, इनका पूछो ना। ये कान साफ करते हैं और हमारे कान में मैल भर दिए। देखो, कान में मैं कुछ नहीं था, घर साफ करके आए थे। तुम्हारा ऐसा आदमी को बेवकूफ ना बनाया करो, ठीक है ना? नहीं, वो ये नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ, मेरा कान पूरा साफ था। अरे क्यों, और अरे ऐसी बात नहीं करते, कम से कम डरा करो आदमी से ही। तो भाई तू मैंने बाहर लेकर, नहीं मैंने बाहर नहीं, मैंने बाहर क्या निकाला? लड़ाई मत कर, मैं क्या नहीं, अरे नहीं भाई, इसने कान अपने हाथ से डाला मेरे कान में। बात कराऊं भाई, बहुत बेकार आदमी हो तुम। ऐसे ऐसे लोग बच कर रहना भाई, कभी भी प्लेटफॉर्म में आओ, ऐसे लोगों से कुछ ना कराना। ये बहुत बेदुआ आदमी है, बेहूद। दूसरों के मैल कान में डालो, कितनी उसकी बीमारी होंगी। बहुत बेकार आदमी हो सारे तुम। अभी को मामा बताया नहीं मैंने, एक आध थप्पड़ तुम्हें मार देते। वो आके बुलाए क्या? कौन मेरे साथ में? अभी अरे बुला, अरे रुक तो मैं तुझे पुलिस वालों को मिलवाता हूँ। रुक, नहीं नहीं नहीं, ये देखो धमकी दे रहे हैं, भाग रहे हैं साले। ऐसे आदमी है यहाँ के, चूतिया आदमी, एक नंबर के, लोगों को चूतिया बनाते साले, हरामखोर साला। दूसरे कान मैन भर दी, हरामखोर साला। ये देखो भगा जा रहा हरामी, रुक नहीं रहा अब। ऐसे लोगों से भाई बच के रहना, एक नंबर, कभी ना इन लोगों से कान साफ कराना। बस भाई अभी रखते हैं इस भाई का भी साफ। भाई तुम्हारा साफ किया, तुमने कुछ निकाला तुम्हारे बाहर से? क्या हुआ भाई? ऐसे ऐसे घुमाया। हाँ वो सब चूतिया बना रहा भाई, इसको जान गई से लोगों को। अरे भैया ऐसे दिखाना, अपना हाथ दिखाना भाई, ऐसे इनका कान साफ किया और यहाँ पे लगा लेते हैं मैल। कहते ला तुम्हारा कान फ्री में देख लें, होगा तो निकलवाना, ना निकलवाना ना निकलवाना क्या? अरे निकाला इतना, बल्कि हम सुबह कान साफ करके आए और वहाँ बैठे जाके हमने कहा नहीं निकलवाना है, पूरा कान भरा ही भरा। हमने थोड़ा सा पेन का ढक्कन लेके निकाला, हमने कहा इतना मैल निकाला है पहली बार मेरे। भाई ऐसे लोगों से नहीं निकलवाना कभी भी, दूसरे का मैल भर देते कान में। बहुत बेकार आदमी है ये लोग सब। ये लोग धंधा है यहाँ का चूतिया बनाने का, अब बस बोल नहीं सकते। मामा सामने बैठे हो ना, इसको मारते हो। तो गाइस मामा को बैठा दिया ट्रेन में, ये बैठे हैं। कैसी है ट्रेन? बढ़िया है। नहीं पहली बार सफर कर रहा है इस ट्रेन से भाई, शताब्दी सफर करते आज ट्रेन थी नहीं भाई, समझ रहे हो? शताब्दी ट्रेन थी नहीं आज पता नहीं बंद थी तो आज एक्सप्रेस थी। चलते हैं मामा को छोड़ के वापस। ये बैठ चुके मामा, टिकट 26 नंबर। ठीक है भाई, निकल भाई। रश क्राउड बहुत ही ज्यादा है, देखो एकदम भीड़ लग गई है। 5 मिनट रुक के चलते हैं। ठीक है भाई, तो गाइस उतर लिए भी हम। ठीक है, तो अभी चलते जल्दी मेट्रो स्टेशन। ओके, और आए हैं क्यों ना सीपी घूम ले, राजीव चौक। तो पहुँचते जल्दी मेट्रो स्टेशन। ठीक है भाई, भाई पता है आज समय में आ गई ट्रेन, वरना कल 5.5 घंटे लेट थी ट्रेन। मामा को तो काफ़ी रुकना पड़ जाता आज अगर इतनी लेट होती तो, है ना? हमें लगा आपको बता दें समय में आ गई आज। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है बहुत। तो गाइस मेट्रो स्टेशन पहुंच गए भाई, बहुत ज़्यादा चलने के बाद, और अब पहुंच रहे हैं जल्दी से मेट्रो में और उतरते हैं डायरेक्ट राजेश चौक, वहाँ थोड़ा सा घूमते हैं चल के। ठीक है भाई, इतनी दूर आए एक स्टेशन पास में राजेश चौक, क्यों ना घूम लिया जाए भाई। तो गाइस बैठ चुके हैं, सॉरी दीदी। तो गाइस पहुंच गए राजीव चौक। ओके लेट्स सी गाइस, पहुंच गए राजीव चौक। यही है भाई, यहीं पे सब लोग अपने अपने फोटो शूट कराते हैं भाई। देखो सब लोग फोटो शूट करते हैं अपना, सब लोग देखो भाई फोटो शूट कर रहे हैं ना, सारे लोग फोटो वोटो शूट कराते हैं यहाँ के। सारे यूट्यूब में जितनी रीलें बनेंगी और इंस्टा पर जितनी रीलें बनेंगी सब यहीं से बनती है भाई, राजीव चौक में। सीपी में देखो ये सब स्वेटर भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के हैं,
650 रुपये का है भाई। 650 का लगा पूरा माल, देख लो भाई। ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे भाई, नेक्स्ट लेवल का मामला है पूरा यहाँ। अरे बड़े बड़े शोरूम यहीं पे हैं भाई, ये देखो ये शोरूम बड़े बड़े सारे यहीं पे हैं। अब घूम रहे भाई ऐसे ही, ये देखो यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है अलग ही लेवल में, यही न्यूज़ वाला। कोर्ट में मामला जीता, कोर्ट ने बीपीआर मशीन को ऐड किया। अच्छा, आप जानते हो जब बीपीआर आई उसके साथ कोई बीपीआर मशीन नहीं, जो बच्चे पैड मशीन में सच दिखाने की, अगर नहीं दिखाना होगा तो माइक भी नहीं ले जाता। डोंट वरी सर, अब तो बोलने दीजिए पब्लिक को। जिस धर्म में सरस्वती, जिस धर्म में माता शारदा के नाम से हमारे देवी देवताओं को जाना जाता है। मोदी जी के आने के बाद ही सारी गरीबी आई है हिंदुस्तान में, बेरोजगारी आई है और सारे पिछड़ गए हैं। पहले कोई पिछड़ा हुआ नहीं था, सब बीमा करते थे। तो गाइस देखा कैसे चुतियापा चल रहा है यहाँ पे, सब जातवादी में खेला जा रहा है कि मोदी ने ये किया, योगी ने ये किया, सब कुछ कर दिया, सिर्फ अखिलेश भाई ने सब कुछ किया। जय अखिलेश, जय समाजवाद, हम तो यही कहेंगे भाई। सपोर्टर असली सपोर्टर हम तो अखिलेश के हैं। बात होगी अभी अखिलेश यादव की भी, क्योंकि अखिलेश यादव बनेगा जरूर आगे चल के प्रधानमंत्री ही, देख लेना भाई, रिकॉर्ड कर लो बात को। देखो आगे भी चल रहा है रिपोर्टिंग, शाम के समय आ जाओ यहाँ, रिपोर्टिंग ही रिपोर्टिंग मिलेगी भाई। देख रहा हर जगह इंटरव्यू चल रहे हैं कि योगी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो बना बना पहले रहो। एक नंबर भाई इंटरव्यू, एक नंबर लगा, जो जो बातें कही एकदम सत्य, सनातन प्रति इतना लाजवाब बातें हैं पूछो ना। दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश, खुश होने वाली बातें हैं। अगर इनका इंटरव्यू आज हो गया वो वायरल है ही 100%। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बस तुमने जो बातें कही दिल में छा गई हैं, रात में सपने में भी आ सकती है बातें। सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। चलो भाई लाजवाब, चलो चलते वापस, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, क्या ही बात कहा जाए। ये भाई ने बहुत बढ़िया बातें कही थी। न्यूज 19 वालों का धंधा बिक गए टुकड़ों में, अल्लाह की मर्जी का बल कर पाएगा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे। ये देखो भाई, ये धरती पुत्र तो सिर्फ मुलायम सिंह यादव थे भाई, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद भाई। आए लाभ पालिका बाजार भी घूम लेते हैं, सामने भीड़ काफी लग रखी है, घूमते हैं अंदर, दिखाते हैं क्या एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पीछे तो पूरा चुनाव मुद्दा चल रहा है हर चीज बारे में, मोदी योगी और जो जो यहाँ कांग्रेस बीजेपी सब एक दूसरे मरे कटे जा रहे हैं। चलो हम लोग पालिका बाजार घूमते हैं, ठीक है? ये रही भाई पालिका बाजार, ये देखो ऐसी है यहाँ की बाजार। चलो हम लोग भी एक्सप्लोर करते हैं कैसी है बाजार। तो बहुत प्यारी है, ये कलेक्शन है हुडीज का, ये जैकेट का, और ये दुकान है यहाँ की, ये श्री राम हनुमान जी की मूर्ति, हुक्का हुक्के बड़ा वाला 2000, 1500, 1200, 1900 ऐसे हुक्के हैं। हमको हुक्का नहीं पीना भाई, हमको अच्छा नहीं लगता भाई, चल आगे। ये डेकोरेशन की दुकान है भाई, ये मोबाइल ऐप इधर अंदर भी है भाई, शॉप नंबर के हिसाब से 112, 114 ऐसे शॉप है यहाँ। पालिका बाजार में भाई रेट तो हाई फाई है, ऐसी बात नहीं, रेट यहाँ का हाई फाई है, पहले बता देंगे 2000-3000 देने का, आदमी सोचो 10 बार। अलग ही लेवल है भाई यहाँ का, ये देखो भीड़ क्राउड यहाँ पे भी आता है, छोटी छोटी दुकानें हैं भाई। हमको भाई कुछ नहीं लेना यहाँ पे, सब महंगा है, अब हम निकल रहे हैं बाहर, क्यों ही फंसे हैं यहाँ पे, अब हम एग्जिट हो लिए हैं यहाँ से बाहर की तरफ, समझे भाई? आ गए बाहर भाई, अब चलते हैं जल्दी से मेट्रो स्टेशन, घूम लिए जितना घूमना था हमको। तो गाइस पहुँच चुके हैं MG रोड वापस, ज़्यादा ब्लॉक किया नहीं ट्रेन एंड मेट्रो में, रोजी तो कर रहे हैं लगातार 8-10 दिन से सफ़र कर रहे हैं ट्रेन ही में ही, तो अब पहुँच रहे हैं घर और बस, और क्या इंटरेस्टिंग दिखाएंगे, घर जाके खाना ना होगा बस, और क्या इंटरेस्टिंग दिखाएंगे। और यहाँ की सेंट्रल बैंक के देखो ये है, ठीक है? तो आज का ब्लॉग करते हैं पर एंड, चलते चलते
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भाई एक हमेशा याद रखना वाली बात कि रेलवे स्टेशन का कान ना साफ करवाना कभी भी। और देख रहे थे आज मोदी जी का बयान आया तो कितना पूरा डिबेट हो रही थी वहाँ पे राजीव चौक पे सीपी पे। तो बस हमने थोड़ी बहुत डिबेट करी, ज़्यादा ब्लॉग अब किया नहीं वहाँ पे। और बस आज का ब्लॉग करते हैं पर एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस दबाए आइकन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा भाई। बाय बाय, आई लव यू।